हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। की हाल चाल है? सब ठीक ठाक? लो जी, राती कल राती वीडियो बंद की थी मैं इतने 11-12 बजे, तो हूँ तकरीबन 5 बज गए। वैसे 4 बजे का अलार्म लाया सी, करते करते 5 ही बज गए, हूँ तो 5:15 हो गए। तो आ पंप इधर, और रात तुम्हें तो दिखाया सी मैं भी इतने। चलो चलता है, 24 घंटे पंप चलता है, बाकी सुपर मार्केट भी चली जाती है जो 24 घंटे चलती है। तो आ सारे ट्रक खड़े आ इधर पिछे, तुझे सारे ट्रक खड़े आ सारे। तो चलो चलते हैं जी। इतों सफ़र जरा सारा 200 किलोमीटर है, पर 100 किलोमीटर तो सही है, पर जरा 100 किलोमीटर आप अगे जाना है वो फिर चढ़ाई ज़्यादा है, फिर वो इस तरह सप वाला बस जो रोड वै बनया हुआ ना। और रोड सारा दूसरा है इस तरह, मतलब घूमवाए आ उत्थे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगना है। तो चलो कोई नहीं, चलते हैं, बाकी देखते हैं जिदा भी होंगी है। ठीक है जी, मिलते हैं थोड़ा गाँव जाके, तो चलिए जी निकली इतों गाँव जाके, फिर नाश्ता नुश्ता भी करा। चलो ठीक है जी, मिलते थानू थोड़े हूँ नहीं रही है हूँ वैसे तो, लेकिन थोड़े थोड़ा दिखा देने बैक साइड तो पिंड है, वैसे पिंड का नहीं टाउन जहाँ एक बीशा है, बीशा आता एक ये, तो इधर बिचों बिचों लंघ जाना सी बस। सो आज तुम देख सकते हो बस आप पिंड जाना, पिंड के आप लंघ जाना। चलो दिन चढ़े मिलते हैं थोड़ा गाँव जाके, बस घंटे 1.5 घंटे तक दिन चढ़ना है। ठीक है जी, हाँ जी, लो जी थोड़ा थोड़ा दिन चढ़ रहा है, तो रोड तुम देख ही सकते हो सिंगल रोड है ये, तकरीबन तकरीबन धुर तक जितने तक हम अभी जाना है उत्थे तक सारा सिंगल सिंगल ही है रोड, मतलब और चढ़ाई आ जाती, तराई आ जाती है, इतनी थोड़ी चढ़ाई है हजे, लेकिन जिते जाना है उत्थे गांह जाके थोड़ी ज़्यादा आती है, उत्थे तो रोड होर भी ज़्यादा है इस तरह या सब वाल पेंदे है, तो इतने रोड हजे फिर भी ठीक है, पर थोड़ा जहा दिन चढ़िया हजे ज़्यादा नहीं, पूरा सूर चढ़िया नहीं है, नेरा जहा थोड़ा थोड़ा। तो बाकी चल रहे हैं आराम आराम, बाकी डबल बना रहे हैं नाल नाल, जो डबल बन रहा है आने वाले साल के चालू हो जाऊ, यानी कि मैं लगता यानी कि 6 महीनों तक यानी कि होर चालू हो जाऊगा रोड, ये नवा साल का चढ़ पाया अच्छा। चलो चलते हैं जी गांह जाके, जब पूरा पूरी लाइट चढ़ गई, मतलब पूरा सूर दिन चढ़ गया, फिर दिखाने थानू देख सकते हैं तुम रोड जी। तो चलो अपने को वेट तो घट है, लेकिन मेरे नाल जो बंदा वो वेट ज़्यादा आ, वो करके थोड़ी मैंने वेट करनी पैंती उसकी। चलो देखते हैं वो आता रहा मगर, तो बस आ सिंगल रोड है, इसी तरह ही जाई जाना है, चढ़ जाता है उतर जाता, चढ़ जाता है उतर जाता है। चलो चलते हैं देखते हैं गांह जाके की हिसाब किताब है। हाँ जी, लो जी थोड़े गांह चढ़ के आए थे, दिन तो चढ़ गया, वैसे धुप जी चढ़ गई वो, तो थोड़े जहा गांह आया सी, पर इतने सिग्नल भी कोई नहीं आता है, तो पर फिर भी कितने कितने वो रोमिंग दे ना फिर भी कॉल आ गई, वो मुंडे ने कॉल की कहना मेरी गड्डी खराब हो गई यार पिछे, वो मेरे मगर मगर से मैं मोहरे भी किया, लेकिन वो पिछे हो गया मेरे तो, क्योंकि वो कहता हौली हौली चढ़ना है, मैं पिछे आ जाना क्योंकि वो वेट से ज़्यादा, तो वो इतों तकरीबन मैं लगता 1 किलोमीटर पिछे, अद्धा किलोमीटर पिछे है मेरे तो, 1 किलोमीटर ही है वैसे, तो गड्डी उत्थे खड़ गई है, तो फिर मैं हूँ चलिया वो कोलू वापस, हूँ इतने गड्डी का इंतजार करते हूँ तुर के जाना अपना वापस, देखते हैं तुरे आवे वापस, तो आ गड्डी खड़ी इतने गड्डी खड़ी की रोड के नाल ही जगह लाई है, क्योंकि सिंगल रोड एक जगह भी है नहीं, तो आ है पर यह कच्चा आ, पर देखते हैं किदा होंगी है, तो सिंगल रोड है सारा, तो सिंगल रोड के थोड़ी लात थले लाती यानी कि, तो इतने कोई टेंशन नहीं हैगी, तो बाकी वो पेपर रखता वो मैं नंबर लिखते वा, वो मैं नंबर अपने लिखते मेरा नंबर, तो वह नंबर रख लिखता बंदे का, तो किसी कोई जरूरत हुई अगर बाई चांस बंदा पता करना कोई पुलिस वाला आ जाए मैं गड्डी कहते लाइए रोड के नाल तो वह कॉल कर सकता है। तो हूँ देखते हैं 1 किलोमीटर पिछे आ मेरे तो जाना वो कोलू मैं, तो हूँ कोई गड्डी मिल जाए छोटी इदा दी किसी बैठ के जाना पैना जो कोई रोक ले गड्डी, पर रोकते भी घट ही होंगे कोई अपना बंदा कोई मिल जाए ना इंडियन पाकिस्तानी तो गड्डी रोक सकता है। चलो मैं जाना वो कोलू तो देखते हैं की हिसाब था वो कोल।
जाके नाल दी नाल डबर रोड बन रहा उधर वैसे तो सर सिंगर रोड ही है हुण इत्थे खड़ी करके जा रहे हैं बंद करती गड्डी चाबी जेब च पा ली है पर ट्रांसफार्मर चोरी होने का डर रहिंदा क्योंकि महंगे बड़े है ट्रांसफार्मर पर हुण कर की सकते हैं जाना पैना है चलो तुर के चलता जे तो कोई गड्डी मिल गई तो ठीक है नहीं तो तुर के चलते हम पिछे वेट कर रहे मेरी गड्डी रोड से खलोती है चलो चलते हैं तो गड्डी मिल गई आप बंदा गेयर लगा इंडिया का ही है तो ये जाने गड्डी गांह खड़ी जिते वह खड़ा है तकरीबन किलोमीटर मेरे को तो पिछे यानी कि अंदाजे तो बाकी चलते हैं और खड़ा है जी देख लो तुम चढ़ाई तो खड़ गई गड्डी तो देखते हैं हम इन की होया हाँ जी लो जी मैं जाके आया वो तो वो गड्डी जी चढ़नी पी चढ़ाई चढ़ नहीं रही है कि चढ़ाई तो खड़ गई है मैंने चक पी गेयर टुट गया गेयर जी गरारियाँ भुर गई वो गड्डी तुर ही नहीं रही हैगी पर चलो देखते हैं चल के की हिसाब किताब है तो हूँ मैं गड्डी वो लेके जा रहा तो मैं अपनी गड्डी चैन पा उन्होंने गड्डी चैन पा के ना खिंचन की कोशिश करूँगा जो खिंच के चढ़ाई उपर चढ़िया वे तो फिर गांह आगे एक जगह हैगी उ ट्रला वह कट करके मैं अपनी गड्डी पाऊँगा वो मगर भारी गड्डी वो को लुड़ भारा ना मेरे को हल्का सारा मेरी गड्डी तो खाली नाल दी है तो फिर मैं कोशिश करूँगा लोड लैके जाने की तो अपना लोड जोड़ा दूँगा ता कि हल्की जे तो वो हल्की चढ़ गई मतलब जे तो गेयर वो कम करते हुए चार चार पांच गेयर कम करते हुए चौथा पांचवा छेवं उपरले बड़े गेयर कम करते हुए फिर तो ठीक है क्योंकि हो सकता छोटे गेयर टुटे हो क्योंकि दुए गेयर चढ़ती सी गड्डी तो आवाज़ आई है गेयर की तो टुट गए गेयर मतलब गेयर उगराली टुट गई है जे काउंटर शाफ टुट गई फिर सारा काम हो जाना फिर तो कोई गेयर नहीं लगना है चलो देखते हैं तो बाकी हम मैं जाऊँगा इतने हम यू टर्न मारने गांह जगह है ब्रिज आता है उतो यू टर्न मार के आऊँगा मैं दिखा दी थानू कहें भी ट्रकों वाले खरे नज़ारे लेंदे रेंदे आ नज़ारे आ नज़ारे आ देख लो मुश्किल भी आदि ड्राइवर को यह नहीं है हूँ तुम देख लो भी 7:30 हो गए सवेरे 5 बजे उठ के तुरे हैं कोई नाश्ता नहीं किया कोई कुछ नहीं किया तो पता नहीं हम कदों नसीब होना है तो हम पहला गड्डी उसकी चढ़ के लेके आने पर फिर कट करते हैं फिर देखते हैं भी खाली गड्डी चढ़ती है कि नहीं चढ़ती बड़े गेयर काम करते कि नहीं करते बड़े गेयर काम कर जाने तो चंगी गल है फिर उन्होंने मैं अपने मैं लोड दे दूंगा मैं वो लोड हल्का आ तो फिर टप टप चढ़ जूगा वो जिदा भी चढ़ना होगा ना मैं हौली हौली चढ़ जूँगा आराम कोई गल नहीं तो हूँ कुछ ना कुछ तो करना पैना है पर चंगी गल दो बंदे है कि हेल्प हो जाती है क्योंकि कला बंदा हों बहुत तकलीफ होंगी है मतलब कोई इतने ना कोई नाल खड़ता ना वास्ता तो हूँ दो बंदे है जो भी सलाह ना असी एक गुजरी की हेल्प कर सकते हैं हूँ तो चलो ठीक है थोड़ा जो भी है कर करा के सारा बाद मिलते हैं तो देखते हैं की हल हों आज दिन माड़ा ही हो गया अच्छा यार सवेरे सवेरे आह काम हो गया हूँ गांह तो हजे चढ़ाई होर भी बनी है आज हजे कुछ भी नहीं पई है कि चढ़ाई चलो ठीक है देखते हैं मैं हूँ हल करके बाद की हिसाब का बनता हाँ जी लो जी कढ़ ली है गड्डी बहर आप मैं गड्डी बहर कढ़ ली है तो अपनी गड्डी दे नाल मैं इहदे नाल ट्रला जोड़ के बड़ी मुश्किल नाल ट्रला जिहड़ा मैं पट्टिया है चढ़ाई ते खड़ा बहुत मुश्किल हुई है बहुत जोर लग्या गड्डी दी चढ़ाई ते गड्डी खड़ी गड्डी पट्टण नूं तो चलो ठीक है पट हो गई तो आ गड्डी मैं कट के बाहर लाती साइड पर तो हूँ इनू मैं अपनी गड्डी के मगर फिर चैन पा के गांह तक लेके जाना जिते जगह मिलती है उत्थे गांह जाके गड्डी खड़ी करांगे क्योंकि रास्ते गड्डी खड़ी नहीं कर सकते आप हूँ तो जगह बहुत घट है तो वह मैं पा ली हूँ देखो तुम चैन मैं मगर पा के उन्होंने गड्डी खिंच के लेके चलिया क्योंकि वो गेयर काम करते नहीं है तो लो जी आ एक जगह तक आप आ गए हैं तो इतने बंदे रेंदे आ तो आ खड़ी गड्डी तो इतें खड़ी करके आप हम चलोंगे पहला गड्डी ये खाली करके आइए मेरा ट्रला जोड़ा है पिछे रोड के उत्ते कच्चे के खड़ा करता है तो वह कुबरी बन रही है ब्रिज बन रही उत्थे बंदे काम करते हैं तो इतने इन्हों की रिहायश है वह कहते तुम टेंशन ना लो अं शाम तक 6 बजे तक इतने है तो असं आप फिर निकल पे हाँ हूँ तो आप पहला अपनी ये गड्डी खाली कर आइए फिर शाम तक वापस आ जाइए शायद तो चलो निकलते हैं जिदा भी आ तो देख सकते हो सामने और जिते बदल टच कर रहे पहाड़ियों उत्थे आप जाना आ तो पर चढ़ाई बहुत ज़्यादा पई आ तो पहले दूजे गेयर गड्डी चढ़ रही है बिल्कुल 10 की स्पीड नाल 5 10 की स्पीड नाल 20 की स्पीड नाल ऐदा गड्डी चढ़ती है पहले दूए गेयर चढ़ी है गड्डी जाने के तो काफ़ी जोर लगे गड्डी का पर बाकी एरिया वधिया आ मौसम वधिया आ वधिया आ तो बाकी लेकिन वजन पा के जिहड़ा असीं इस रोड ते गए आ तो वह थोड़ी जी सानूं मुश्किल हुई है चलो की कर सकते हैं तो लो जी
इतने एक जगह से आप ब्रेक मारी है तो मैं क्या टायर टूर चैक कर ली तो थोड़ी जी ब्रेक टायर की है क्योंकि जी ब्रेक आ ढिली है तो आप तुम देख सकते हो बदल होया पूरा तो अगर बारिश भी होनी है तो आप तुम देख सकते चढ़ाई अगे तो चढ़ाई भी आई जी डाउन भी आई जी इस करके मैं थोड़ी ब्रेक टायर कर ली क्योंकि ब्रेक आड़ियाँ इस ट्राले दट है इस करके मैं चलो ब्रेक आड़ियाँ टायर कर लें तो गांह थोड़ी सौख हो जाऊ क्योंकि गांह डाउन बहुत ज़्यादा पी है तो बाकी लो जी मेरे नाल बंदा बैठा जी वो वीडियो बना रहा है तो मैं थोड़ी जी बना लिया कोई चक्कर नहीं क्यों नहीं बना लिया तो बाकी चढ़ते गए हैं उतरते गए हैं चढ़ते गए उतरते गए हैं मुश्किल तो बहुत हुई है क्योंकि वजन बहुत ज़्यादा सी तो मेरी गड्डी का जो स्टापर नहीं काम करता चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं गड्डी चढ़ी गई है क्योंकि वोल्वो गड्डी है मेरे कोई टेंशन नहीं लेकिन उतरने में मैंने बहुत प्रॉब्लम हुई है उतरने के बच्चे क्या सगा कि मेरी गड्डी का एक तो इंजन ब्रेक घट काम करता है जिन्होंने आप स्टॉपर कह रहे हैं दूजी ये ट्राले की ब्रेक तो बाकी की कर सकते हैं आ देखो तुम हम डाउन उतर रहे हैं तो ब्रेक तो ब्रेक ब्रेक तो ब्रेक ब्रेक तो ब्रेक मारनी पै रही है मैनू तो गांह जाके तो ब्रेक की अपने हवा भी घट गई थी बिल्कुल हवा खत्म हो गई थी तो ब्रेक गर्म हो गई हार के मैं रास्ते में थोड़े गांह जाके गड्डी रोकनी पई मैनू क्योंकि गड्डी रुकती नहीं है वजन पाया गड्डी नठी जाती थले स्टापर काम नहीं कर रहा जेकर इंजन ब्रेक काम कर रहा हूँ तो फिर नहीं किसी चीज़ की टेंशन होनी मैं तो इंजन ब्रेक घट काम करता करके मैं बड़ी प्रॉब्लम हुई है तो फिर मैं यही काम मैं क्या हूँ मैं जाके वर्कशॉप कराऊंगा इंजन ब्रेक का काम कराना क्योंकि इंजन ब्रेक जरूरी है इंजन ब्रेक के बिना गड्डी नहीं उतरती हैगी जिन्हें लंबी डाउन उतारनी हो छोटी मोटी डाउन की कोई टेंशन नहीं होंगी जी लंबी डाउन उतारनी वो मुश्किल होंगी है तो लो जी गांह आप आ गए हैं तो अगे मीह शुरू हो गए नाल ही तो मीह बड़े जोर का पिया इतने तो बहुत ज़्यादा मीह पिया तो बाकी चल रहे आराम आराम नाल क्योंकि स्पीड है नहीं इतने क्योंकि चढ़ाई पई जाती है आराम आराम चढ़ रहे देखो तो किड्डे किड्डे उच्चे पहाड़ तुम देख सकते हो तो पत्थर के पहाड़ कितने हरे पहाड़ मौसम वधिया इत्थे दा अपना टैंपरेचर सही है वधिया आ एरिया वधिया आ तो असं भी देखा गया अच्छा देखिए चलीए कि एरिया वधिया एरिया आ मौसम वधिया कहिंदे ठंडा इलाका आ तो देख लो तुम ठंडा इलाका फस गया आ गया इधर पर चलो एरिया वधिया पर की कर सकते क्योंकि वजन बहुत साढ़े को ज़्यादा आ हाँ जी लो जी कहते नज़ारे है आबे दे विच आबा बड़ा सोहना है आबा बड़ा सोहना आ तो सोहना तो है बदलबारी हुई वो पहाड़ों के बदल लगे वो खड़े हाँ ठंड भी हैगी है पर मसला यह साढ़े को लोड़ ही इन्ना ज़्यादा आ तो अगर चढ़ाइया बहुत पैनिया हजे भी चढ़ाइया दो पाई गड्डी खराब हो गई मैंने ये ट्राला लेके आना पाया ट्राले की वजन बहुत है इस रोड आना चाहिए सगा गलती की बंदे कहते इस रोड ना आते दूसरे रोड आते चंगा सगा पर इस रोड असं भी पहली बारी आए हैं दूसरे रोड ठीक सगा वो परला पासा लेकिन यह पता ही नहीं सानू और तुम देख सकते हवा चलती है और तुम देख सकते चढ़ाई और चढ़ाई चढ़ के जाना आप हम डोर पैंती पे चढ़ा तो लो जी चढ़ाई चढ़ते पाए हैं तो पहला डाउन उतर जाओ थले 100-200 फुट फिर 100-200 फुट चढ़ाई चढ़ जाओ उपर बस आही हाल है इतने जिदे को लोड घट है हल्का वजन है वो कोई दिक्कत नहीं हैगी क्योंकि मेरे को जब 5 टन वजन से ना तो मैं इसे रोड मैं वापस खाली आया क्योंकि हम मैं एडिटिंग कर रहा ना मैं वीडियो के बाद ओवरबैस यूज़ कर रहा है तो करके मैं हम देखता आया चलो मैं वीडियो तुम दिखा रहा मैं सारा अगे का वाक्य देख के आ गया सी वैसे मैं तो बाकी आने लगा मैं इधरों खाली आया तो बड़े आराम ना मतलब बड़े आराम ना गया मतलब कोई टेंशन नहीं होएगी बस जी असी लोड पा के जी गड्डी चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि चढ़ने चलो चलो पहले दुए गेर च गड्डी चढ़ी जानी है चढ़ जाती है गड्डी उतरन वेले बहुत प्रॉब्लम होंगी है क्योंकि उतरन लगे जोड़ा आ ब्रेकां चाहिए थोड़े को स्टापर पूरा चाहिए गड्डी का इंजन ब्रेक तो जोड़े को मेरे इंजन ब्रेक घट काम करते तो मैं अपने ट्राले द्रेकों का काम करा रखा सी मैंने टेंशन नहीं कोई भी क्योंकि जे अगर इंजन ब्रेक घट घट काम करते तो बंदा ब्रेकां यूज़ कर लैंदा है फिर भी चलो जिन्नी भी चलो ज़्यादा यूज़ होंगी फिर भी बंदा कितना कित सेफ है हूँ यदि ना तो ट्राली द्रेकों आ तो ना मेरे गाड़ी की इंजन ब्रेक है तो जेकर थोड़े को इंजन ब्रेक पूरी हो ब्रेकां बोरिया हो ट्राले दियाँ फिर बंद कोई टेंशन नहीं होंगी फिर जिदा मर्जी चढ़ी जाओ जिदा मर्जी उतर जाओ कुछ कुछ बंदे आते भी इतने लोड पा के लेके आते इतने इदा नहीं है पर असी पहली बार आए थी करके थोड़ा रास्ते का सूँ पता नहीं सीता करके इदा हो गया चलो कोई नहीं बाकी कोई दिक्कत नहीं चंगे माड़े दिन आते ही रेंदे आ तो बाकी तुम नज़ारा देखो तुम देखो नज़ारा तो जे थानू वधिया लग्या तो दस्यो कमेंट करके जरूर दस्यो थानू किदां दा लग्या एरिया तो यह भी एक सऊदी अरब का एरिया है तुम देखो तुम देख थो मैं बाकी वीडियो दिखाया होना रेत ही रेत रेतला इलाका जिथे इन्नी इन्नी गर्मी पैंदी है ये वो एरिया जिथे गर्मियों भी ठंड पैंदी है तो आ देख लो पहले गेड़ च गड्डी पाई हो
ਤੇ ਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ 'ਚ 10 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਆ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਬਹੁ ਅਖਾਣ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਐ ਕਲਚਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਫਲਾਣਾ ਆਦਨ ਨਹੀਂ ਬਸ ਫਲਾਣਾ ਤੂੰ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਂਝ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਆ ਵੇਖ ਲਿਓ ਬਾ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਵਾਂਝ ਪੜੇ ਖੜੇ ਆ ਬਸ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਆਖਣਾ 27 ਟਨ ਪਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਹੋਇਆ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਦਿਆ ਜਾਂ ਸਮਝ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਹਸਬੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆ ਹਾਲ ਹੈ ਜੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਹੋਏ ਆ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਧੁੰਦ ਪੈ ਗਈ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਬੱਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਬੱਦਲ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਤਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ ਆ ਗਈ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਬੱਦਲ ਟੱਚ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਪਹਾੜੀ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ ਦਿਖਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਦਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 150-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੁਰਿਓ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 3 ਵੱਜ ਗਏ ਆ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤਰਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਛਾਣ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਆ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਖੜਾ ਆ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਖੜਾ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਅਲਵਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸ਼ਵਿੰਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਛੱਡੋ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਸੋਧੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਕੁ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਹਜੇ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 2:57 ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 2:57 ਹੋ ਗਏ ਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਉਹ ਡੇਢ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡੇਢ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਈਏ ਡੇਢ ਕਿੰਨੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ 2022 ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਦਿਨ ਬਸ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖਾਊਂਗਾ ਮਾੜਾ ਬਸ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਅਤੇ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਫ਼ਰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗੀ ਬਾਕੀ ਦੂਆ ਜਾ ਨਾ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ ਵਧੀਆ ਆ ਬਸ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਔਖਾ ਇੰਨਾ ਵਜਨ ਪਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੋਏ ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਲਵਾਹੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਡਾ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਕਰੀਏ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਕੋ ਜਾਊਗਾ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸੁੰਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਾ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਲੇ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲੋਡ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੁਣ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਤਾ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਉਹ
चलो चल दें जी। ठीक है मैं भी हूँ चला छे छेती खाली करिए जाके। फाइनली पहुंच गया लवाहा। ये है जी लवाहा, आ तुम देख सकते पीछे बदलों से लंघ के आया है, दिखते नहीं कोई दिखाई नहीं दिता मोरे। ये आ गया जी लवाहा, ये है सामने लवाहा। डाउन उतर रहे हैं जी, मजा मेरे को ज़्यादा है क्योंकि मेरा स्टॉपर नहीं काम कर रहा, ब्रेक भी घट है गड्डी दियाँ, तो इस करके गड्डी बड़े प्यार तारनी पै रही है। तुम देखो 5 की स्पीड नाल पहला गेयर लगाया, पहला गेयर लगाया तो इंजन ब्रेक लगे हुआ, आराम आराम उतार रहे हैं क्योंकि मेरे को स्टॉपर पूरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। इंजन ब्रेक लगाए जरूर है, स्टॉपर लगाया वा, प्रॉपर काम नहीं कर रहा, घट काम करता है, तो ब्रेक भी घट है, तो इस करके बड़े प्यार ना ला रहे हैं क्योंकि वजन बहुत ज़्यादा है, 27 टन वजन है। तो कई बंदे तो कहें होने ना लड़ी चढ़ाई है, असं गए हैं लवाहे फलाना गए हैं, महाराज 27-28 टन पा के चढ़ो उतरो तो फिर पता लगता है बिना ब्रेकों बिना स्टापर तो गड्डी किमें उतरती है, स्टापर प्रोपर कम ही नहीं करता है। मैंने पहला गेयर लगाना पै रहा, अगर मेरा स्टापर कम करता हूँ ना तो मैं चौथे गेयर जितने पहला पे इतने चौथा पैना सगा लोल आई पा के, तो मेरी गड्डी चौथे गेयर बड़े आराम उतरनी स्टापर ला के। हम पहले गेयर तार नहीं पै रही गड्डी मैंने, क्योंकि स्टापर घट काम करता है, पर घट करता पहले गेयर करता थोड़ा ठीक काम करता है, मतलब पहले गेयर काम करता माड़ा मोटा, तो बाकी तो काम करता नहीं है। इंजन ब्रेक भी घट है, मतलब ब्रेक भी घट है, ट्राली की ब्रेक भी घट है क्योंकि ट्राला मेरा नहीं ना है, मैं अपने ट्राले की ब्रेक काम करा के आया जी। मेरी देखो नहीं वीडियो कल वाली वीडियो, आओ कल वाली वीडियो मेरी देखो नहीं, तो वो तो मैं काम करा के आया जी कल परसों वाली वीडियो में, पहली वीडियो में यह ट्राला हूँ जो पाया वा, यह वजन बहुत है, मेरा वजन सारा 5 टन से, मेरा ये वजन 27 टन है। तो हूँ वो गड्डी खराब हो गई, हम की कर सकते हैं, सेम सेम कंपनियाँ जो है रल मिल के सारा कुछ करना पैंता है। हूँ अपना ट्राला मैं कट के आया उत्थे, ये ट्राला लेके आया ताकि यदि गड्डी खाली करिए पहला, तो हालांकि मेरी गड्डी की भी टेंशन है क्योंकि मेरे को जरा वह ट्रांसफार्म है। हाँ जी लो जी उतर लगे हूँ आराम आराम नाल, पहला गेयर पा के, तो गड्डी के ब्रेक घट है इस करके, तो थानू क्या सी वीडियो ना बने रहे थो दिखावे ना नज़ारे थानू इतने के ट्रकों ड्राइवर के नज़ारे देख लो तुम आह हालात होंगे। सवेर का कुछ नहीं खाता, सिर्फ पानी पीता सी, देखो पानी की बोतल खत्म हो चुकी है, एक होर बोतल से वो भी सड़ती, मैं वो परे सड़ती वो परे पई है काकी के बच्चे बोतल, वो दूजी बोतल काकी बच्चे दो बोतल पानी की खत्म करती हैं, लेकिन अभी तक रोटी नहीं खाती हैगी, कितों खाइए टाइम ही कोई नहीं है। हूँ यही है बस भी गड्डी खाली करा, खाली करके मैं वापस मुड़ना है, और हूँ खाली करके रोटी खाऊँगा मैं जिते खाऊँगा, क्योंकि मेरा ट्राला खड़ा है, क्योंकि मेरे जो मेरा ट्राला है वह भी डर है क्योंकि कम अपना दुआ लोड किए वा ट्रांसफार्म लोड किए वा ऑप्शन, वो बड़े महंगी चीज़ है, तो वह चोरी होने का खतरा रहता है। तो वह मुंडा मेरे नाल आया तकरीबन 100 किलोमीटर तक आया मेरे नाल, 100-120 किलोमीटर आया, तो वह कहता मुश्किल चलता है क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा पे, थोड़ा वीडियो देख ही लिया पहला वैसे, तो सुबह का कुछ नहीं खाता है, मतलब वो मेरे नाल आ गया। चलो कहता मैं थोड़ा टाइम कहाँ चल दिया, बाई चांस कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि चढ़ाई तराई पत्थर पुत्थर लगाने पैंते हैं, पर पत्थर भी कितने लगते, पत्थर लगाया कि पत्थर तो टपक गई उपरों गड्डी रोकी बेचारे, क्योंकि हवा कम हो गई थी, ब्रेका लगी गई, ब्रेक हवा घट गई, ब्रेका मरी गया, गल नहीं बनती क्या करिए। तो बाकी नवा साल अज तुम पहला भी दिखाया, मैं थोड़ा फिर दिखा देना थोड़ा, मैं थानू 3:30 हो गए वा टाइम, पहली तरीक पहला महीना 2022 नवा साल अज, तो मैं मैसेज आने लगे वा हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर, साडा कहता हैप्पी न्यू ईयर साडा हैप्पी न्यू ईयर आया, सवेर का कोई खादा नहीं है, हम गड्डी खराब हुई असं की कर सकते हैं, जो नसीब है जो कर्म है की कह सकते हैं, मुश्किल नहीं। बाकी चलो दो असी कट्ठे से अपना एक दूजे की हेल्प हो गई, सहारा हो गया, बहुत फायदा हो जाता एक दूजे का, तो होर तो कोई कुछ नहीं कर सकते आप, चलो फिर भी ठीक है, चंगा हो गया जो भी है,
ठीक होया अगर गड्डी उहदी गांह आ जांदी ना तां गांह तां जिहड़ियां चढ़ाइयां पईआं आ तां उहदे विच तां गड्डी उह खड़ जाणी सीगी और जे खड़ जांदी तां ना गड्डी अगे तां ना पिछे ना गड्डी अगे जाणी सी ना पिछे जाणी सी जिहड़ा आह वी ट्राला कट्टिआ आ पिछे 6 दे 6 टायर लॉक करके ब्रेक लगी हुई सी इहदी क्योंकि जदों पाइप लाने तां ब्रेक लग जांदी आपणे आप लगी हुंदी वैसे तां ते 6 दे 6 टायर लॉक करके फिर गड्डी उहदली बाहर कढ़ी ते फिर मैं अपनी गड्डी अंदर पा के जोड़ी आ चढ़ाई ते खड़ी खड़ी मतलब ते फिर गड्डी मैं अपनी इहदा ट्राला जिहड़ा मैं जोड़ के लैके आया मैं ते चलो ठीक है जी खैर है हुण मौसम सही हो गया पर मैं डाउन भी उतरे आया मैं ते फोन भी उहदा आ गया मैं गड्डी मिल गई मैं लगदा ते निकल गया मैं लगदा ओह चलो ठीक है जी चलदे आ ते अपना करिए खाली पहुँच गए बस मैं हुण लग गई 20 किलोमीटर आ गए सारी लोकेशन इत्थों मेरी ते लो जी चल रहे हैं बस लोकेशन जिहड़ी अपनी थोड़ी रह गई है लागे पहुँच गए हैं बस आपां ते जा रहे हैं बाकी एरिए तुसीं देख सकदे हो मींह पै गया टिया बदल हजे भी बनिया होया आ ते बदल ही बदल है मतलब पूरे बदल लगे हुए आ पहाड़ियाँ बहुत उच्चियां ना बदलों के नाल लग जांदियां आ ते बाकी तुसीं देख सकदे हो होटल ही होटल है सज्जे पासे तुसीं देख सकदे हो सज्जे खब्बे होटल ही होटल है ज़्यादातर क्योंकि जिहड़ा ये टूरिस्ट प्लेस है ना टूरिस्ट एरिया है क्योंकि हुण तां चलो करोना करूना करके टूरिस्ट नहीं आते इन्ने जां सऊदी लोग जिहड़े आ बाकी प्रोविंस दे विचों घट आते तो जदों करोना करूना नहीं हुंदा इत्थे बहुत ज़्यादा रश हुंदा फिर काफ़ी टूरिस्ट जिहड़े घूमण फिरन आते इत्थे ते देख सकदे तुसीं सामने तुसीं देखो होटल ही होटल है मतलब होटल चलो ठीक है जी चल रहे हैं बाकी तो लागे पहुँच गए हैं ते करिए जाके खाली ते 5 किलोमीटर है क्या सारा इधर अंदर दुकान है बड़ी छत इधर दुकान है इन्हों की घर बैक साइड के नाल ही स्टोर बनाया जानी कि इधर मेन रोड उत्ते ही आने मैं दुकान है तो ठंड इन्नी ज़्यादा हवा चल रही है हाथ ठर रहे हैं धो के हाथ मैं धो के आया तो हाथ ठर रहे हैं मतलब पूरी ठंड है इतने बहुत ज़्यादा चलो ये खाली करते जो रोटी रूटी खाई हूँ सवेर का कोई पता नहीं है पता तो जी उपर चढ़ के आ गए सी पौड़ियाँ इतने नाल ही मेन रोड है मेन रोड के नाल ही ना दुकान है मतलब बड़ी सारी दुकान है ना इधर दुकान की बैक साइड से ओ थले गड्डी खाली हो गई गड्डी ओ पिछे शहर घुमा के लेके आया जी गड्डी में ते आ दुकान है ना दी ते मौसम देखो तुसीं ऐन बदल थले आए हुए आ मीह पई जांदा हवा चली जांदी ठंड हो जांदी आ चलो रोटी खा के गई है भुख वो लगी वा सवेर का कुछ नहीं खाता हैगा नवा साल मन गया लो जी 1 किलोमीटर तुर के आया उधरों ते ओ सामने यार रेस्टोरेंट उत्थे जाने उत्थे जाने जाके रोटी पानी खाने आ भुख भुल गई वा ठीक है जी कड़दे आ रोटी पानी खा के ओ उत्थों आया 1 किलोमीटर तुर के आया उधर जिथे खाली की मैं रोड रोड क्रॉस करना बनाया हुण रोड क्रॉस करते हैं चलो ठीक है जी हाँ जी लो जी छक लिया रोटी पानी शाम का टाइम हो गया बस नेरा हो चलिया नेरा हो गया नेरा तो वैसे वह तो देखो तुम पता एन टच कर दे थले पहाड़ी तो ठीक है जी वो गाँह जाना मैं उतने जाके अपनी गड्डी के बच्चे ही सोने अच्छे जाके चलो देखते हैं उत्तर जाके बनते चलो गड्डी को जाके गड्डी खाली हो गई होनी हूँ तो आया जी शॉप इन्हों की जिते आप खाली की बैक साइड तो इन्हों का पुलिस वाला भी जा रहे हैं तो आ शॉप इन्हों की बैक साइड से जोड़ा इन्हों का स्टोर आ थले है चलो चलते हैं जी मैं लगता गड्डी अपनी खाली हो गई होनी है नेरा हो गया वैसे इतों पौड़िया ही उतर रही हैं लो जी गड्डी अपनी खाली कर दी हो चलो दरवाजे बंद करिए तो फिर पेपर लेने इन्होंने को हाँ जी लो जी गड्डी खाली करके तो अपना रोटी पानी खा के मैं आ गया जी हूँ गड्डी च तो इन्हों ड्राइवर पूछा वह कहता नो एंट्री है नहीं गी
पर है तो शुक्रवार शनिवार यानी कि नो एंट्री नहीं होंगी शनिवार वैसे तो कहता भी नो एंट्री शनिवार को होंगी नहीं है जे रश हो रोकते हैं और दूजी गल जे छुट्टियां चल दी होदा मतलब टूरिस्ट का टाइम होंगे ना जिदा हूँ तो टूरिस्ट नहीं है क्योंकि एक तो वैसे भी लोग जो घूमते फिरते होंगे ना छुट्टियां होंगे ना जो इन्हों जो सऊदी लोग होंगे फिर घूमते होंगे बाहर जिदा इतने हूँ फिर बाहर तुम्हें पता ही है मौसम कितना वधिया मौसम है पर हूँ ठंड ठुंड है वैसे भी छुट्टियां भी है नहीं गां सारे बंदे अंदर ही होने मन एक रच रुच घट है तो जो तू निकलना तो निकल जा हूँ रिस्क ही है यार की करिए पता नहीं हूँ जो पुलिस ने रोक लिया तो उन्हें 1000 रुपये का फाइन देना है 1000 रियाल का चलो देखते हैं शायद मैं इतने ही 2-4 घंटे रोक लवा 10 बजे के बाद निकला तो या फिर शायद मैं निकल ही जावा हूँ ही मैं कोशिश करते हैं जो हूँ निकल गया तो मैं 8-9 बजे तक तो मैं उत्थे जा रहा जिते अपनी गड्डी खड़ी है हूँ जिते मैं छड़ के आया 150 किलोमीटर पिछले छड़ के आया वा मैं क्योंकि मेरा ट्रेला भी सुनना ही खड़ा है इदा ही गड्डी भी वो इदे खड़ी है बंदा साडा अजे पहुँचा ही नहीं है वह टाइम लगना अजे घंटा लगना उन्होंने पहुँचने तो औखा हो गया वो तो लोड भी है टेंशन हुई हो पी है कहीं होर ना कहीं चोरी हो जाए चलो ठीक है जी देखते हैं किदा होंगी है बाकी किदा लगे सानू दस्यो किहोजा लग्या अलवाहा तो अलवाहे का ट्रिप तो हूँ बस इतने बंद करा आप फिर कित मिलेंगे सानू अगले ट्रिप के बच्चे हूँ मैं रातों रात निकल जूँगा शायद मैं लगता तो आप अपनी गड्डी फिर मैं कलू खाली करके जानी वैसे मैं पर हूँ मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा अपनी जी मैं गड्डी खाली करके आनी कलू मैं तो बस तुम हूँ देख लिया थोड़ा भी दिखा लता मैं भी देख लिया अलवाहा बहुत वधिया आ परेशान भी हुए जोड़े हुए हैं चलो ठीक है जी कोई गल नहीं दस्यो थानू किदा दा लग्या ते तंग परेशान तो हुए आ चलो कोई गल नहीं ठीक है हुंदा रहिंदा आ कम करना आ जे इदां दा हुण ट्रक चलाने आ तां फिर इदां दीआं गल्लां तां हुंदीआं रहिंदीआं रस्ते च कोई गल नहीं चलो ठीक है जी ते मिलदे आ किसी होर वीडियो दे विच ते चंगी लगी तां वीडियो लाइक कर दिओ ठीक है जी मिलदे आ किसी होर वीडियो विच ओके जी।